नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। राम राम भाई, राम राम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। थोड़ा सा लंबा क्लास हो सकता है आज का, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ओवर ऐड कर दिए थोड़े, 10-15 क्वेश्चन, 50-55 क्वेश्चन हो गए अब। तो आज की क्लास में 20-25 के करीब क्वेश्चन है जो हमें करके ही जाने हैं, आज खत्म करना है इसे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आज के आपके सामने ये किसी सप्ताह में ताजमहल को विजिट करने वाले लोगों का औसत 40 था, यदि आप छुट्टियां हटा दें तो एवरेज जो है 16 बढ़ जाएगा। यदि आप उस दिन को भी हटा दें जिस दिन सबसे ज्यादा लोग 112 लोग विजिट करते हैं, विजिटेड, तो एवरेज जो है 42 हो जाएगा। तो हॉलीडेज कितनी थी? अब देखिए, दो तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन बताऊंगा, ध्यान से समझना है। पहला तरीका ये, 40 लोग विजिट करते हैं औसत 7 दिन में, ठीक है, टोटल लोग हो गए इतने, ठीक है, टोटल लोग हो गए इतने, ठीक है, हाँ, टोटल लोग हो गए इतने। अब वो कहता है यदि छुट्टी वाले दिन हटा दें, छुट्टी वाले दिन तो लोग नहीं आएंगे, ठीक है, तो औसत बढ़ के हो गया 56। ये वो दिन है जिस दिन छुट्टी नहीं थी। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो x की वैल्यू 5 आ गई। 40 सत्ते 280, 56 पंजे 280, तो 5 दिन छुट्टी नहीं थी, यानी 2 दिन छुट्टी थी, तो 2 डेज हॉलीडे हो गया। ये आपका आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे, आपको बस ये अच्छे से समझना है, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 56 कैसे, आइए देख लेते हैं। देखिए, 40 औसत था पूरे सप्ताह का, पूरे हफ्ते का औसत 40 था। अगर मैं वो दिन हटा दूं जिस दिन छुट्टियां थी, तो औसत 56 हो जाता है। तो जिस दिन छुट्टियां नहीं थी उनका औसत होगा वो 56। तो छुट्टियां नहीं थी कितने दिन? x दिन। लोग तो बराबर ही होंगे ना ये, तो x की वैल्यू 5 आ गई। 5 दिन छुट्टी नहीं थी, 2 दिन छुट्टी थी। इसी को मैं अगर दूसरे तरीके से करता हूं, ध्यान से देखिएगा, सेकंड तरीका क्या है। अगर वो बोलता है 40 अगर औसत था, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर वो बोलता है 40 औसत था तो 7 दिन में कितने लोग विजिट करेंगे? 280 लोग विजिट करेंगे, ठीक है। अगर इसमें से वो दिन हटा दिया जाए जिस दिन सबसे ज्यादा लोग आए, तो ये कितना आ गया? 168 आ गया, ठीक है। 280 लोग पूरे सप्ताह में आए थे, छुट्टी वाला दिन भी हटा दिया मैंने और ये वाला दिन भी हटा दिया, ये दोनों दिन हटा दिए, ठीक है। अब औसत हो गया 42, ठीक है। अगर मैं 168 को 42 से भाग करता हूं तो क्या आता है? 4 आता है, 4 दिन, ठीक है, तो 4 दिन आता है। तो 4 दिन आता है, ठीक है। अब 4 दिन आ गया, अब ध्यान से देखिएगा, ये 4 दिन है जिस दिन लोग आए थे, एक दिन ये वाला है जिस दिन 112 लोग आए थे, तो 5 दिन हो गए जिस दिन लोग आते हैं, बचे कितने? 2 दिन। तो 2 दिन आपकी छुट्टी रही होगी, 2 डेज आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। तो दो तरीके ये और ये, उम्मीद करता हूं आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। भाई कुछ भी दे दे, कोई दिक्कत आने वाली बात नहीं है, जैसे वो देगा उस हिसाब से आंसर करना पड़ेगा आपको। आइए एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखिए, जिस दिन ताजमहल बंद है उस दिन तो कोई लोग नहीं आएंगे ना, लोग उसी दिन आएंगे जिस दिन खुला है। मान लेते हैं एक्स दिन खुला है, तो एक्स दिन के हिसाब से औसत कितना था? 56 था, तो इतने लोग आए पूरे हफ्ता में, कितने लोग आए? 40 × 7, ठीक है।
तो ये लोग तो बराबर होंगे, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, यानी 5 दिन छुट्टी नहीं थी, 2 दिन छुट्टी थी। दूसरा केस, अगर मैं मान लेता हूँ 280 लोग आए 7 दिन में, एक दिन ये वाला हटा दिया मैंने, कितने बचे, 168 लोग, ठीक है। अब दिन बचे कितने आपके पास, 6 में से कुछ दिन छुट्टी थी, बाकी बचे हुए दिन छुट्टी नहीं थी। जिस दिन छुट्टी नहीं थी उसके हिसाब से औसत हो गया 42, ठीक है, क्योंकि छुट्टी वाले दिन तो लोग आए नहीं ना, तो 42 हो गया। तो 168 लोग हैं, 42 प्रतिदिन आते हैं, तो 4 दिन में आएंगे, तो 6 में से 4 दिन ये निकल गए, बचे कितने, 2 दिन, उन दिनों में आपकी छुट्टी रही होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ए बी और सी का औसत अगर एम है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ए बी और सी छोटा होगा ये, ठीक है, यानी ए प्लस बी प्लस सी बाय 3, इसका औसत कितना है, एम है, ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 3m हो गया। अगर मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर देता हूं तो क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab bc ca, ab bc ca किसके बराबर है, 0 के बराबर, ये किसके बराबर हो गया, 9m के स्क्वायर के बराबर, ठीक है, 9m स्क्वायर के बराबर। आपको क्या निकालना है, औसत निकालना है, डिवाइड बाय 3, तो 3m स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, b b b b b। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन ऐसा है अगर आपने पहले से कर रखा है तो ये क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा, कई क्वेश्चन अब ऐसे मिलेंगे आपको, ठीक है। 5 मेंबर की एक टीम जो है अपना वजन करती है लगातार, हर एक मेंबर अगर अपना वजन करता है, ठीक है, तो वजन करने के बाद जो औसत है वो 1 किलोग्राम बढ़ जाता है हर बार, ठीक है, तो आपको बताना है हाउ मच हैवियर इज द लास्ट प्लेयर देन द फर्स्ट प्लेयर, ठीक है, तो अंतिम खिलाड़ी पहले खिलाड़ी से कितना भारी है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन अगर आपने पहले कर रखा है तो एग्जाम में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मेरे ही मेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, मैंने ये पहले से नहीं कर रखा था तो मेरा भी एग्जाम में नहीं हुआ था, मैं सही बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है, तो आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए मैंने ये क्लास में ही क्वेश्चन लिया है, ठीक है। अब देखिए 5 मेंबर हैं, अगर आप एक का वजन एक्स लेते हैं, अगले का एक्स प्लस 2, देखिए यहाँ औसत कितना था एक्स, अब यहाँ औसत कितना आ गया एक्स प्लस 1, अब अगला x प्लस 4 अगर मैं लेता हूं तो इन तीनों का औसत कितना आ जाएगा x प्लस 2, ठीक है। लगातार टर्म आपको लेनी पड़ेंगी, यानी ये तो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया आपको, फिर अगला क्या लेना पड़ेगा x प्लस 6, फिर अगला क्या लेना पड़ेगा x प्लस 8, तो जो सबसे हैवी है वो ये है, सबसे लाइट है ये है, अंतर कितने का आएगा, 8 किलोग्राम का आएगा। इसी बात को मैं ऐसे भी बोल सकता था, अगर 5 बंदों का वजन इस हिसाब से हो 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है, तो आप देखते हैं हर बार 1-1 किलो औसत बढ़ गया। अगर इसका औसत क्या है, अकेले का 2, 2 और 4 का औसत 3, ठीक है, 2, 4, 6 का औसत 4, 2, 4, 6, 8 का औसत 5, 2, 4, 6, 8, 10 का औसत 6, तो हर बार औसत 1-1 बढ़ रहा है, ठीक है। इसी तरीके से 2, 4, 6, 8, 10 ना लेके आप 3, 5, 7, 9, 11 भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन बात है कि भाई इसमें ये लगातार अंतर जो है वो समान होना चाहिए 2 का, ठीक है। अब आपको समझने वाली बात ये है कि इस टाइप का क्वेश्चन अगर रिपीट होता है तो अगली बार से ये क्वेश्चन आप इस तरीके से करें, और अगर इस तरीके में कुछ घुमाव आता है तो एडजस्ट करिए, पर मेन बात है पहले से ये नॉलेज में हो कि ऐसा सा कोई क्वेश्चन पहले एग्जाम में आया हुआ है। तो आपको क्या निकालना था, इन दोनों का अंतर 8 हो गया, इन दोनों का अंतर 8 हो गया। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपने पहले नहीं कर रखा तो पेपर में बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
एक भाई बोल रहा है 3 से डिवाइड क्यों किया, भाई यहां पर औसत निकालना था, एवरेज। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, इन संख्याओं का औसत 15, 21, 35, 46 एक्स शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 43 बट लेस देन इक्वल्स टू 44। औसत इसका, अगर मैं औसत निकालता हूँ, सबसे पहले मैं टोटल करूंगा, 3 3 6, 3 9 4 13, 7 20, 6 26, 5 31, 310, 318, 323, 329, 338, 343, 345, 345। वैल्यूज कितनी है, 3 3 6 3 9, 9 वैल्यूज है, ठीक है। वैल्यूज कितनी है आपकी, 9 है। 345 प्लस एक्स, एक सेकेंड रुकिए, 345 प्लस एक्स डिवाइड बाय 9, ये कंडीशन बन गई आपकी, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं एक बार इसके साथ अगर मैं सॉल्व करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपको क्या वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या होगी, अगर ये 43 से बड़ा है और इससे छोटा है, अगर आप देखते हैं, अगर मैं 9 से काटता हूं, 9 3 27, बचा 7, 9 8 72, ठीक है, 9 3 27 बचा 7, 9 8 72 बचा 3, 3/9 यानी 0.33, ठीक है, 0.38.33 आ गया। तो x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अगर आप ध्यान से देखें, 43 से बड़ा हो, 4.66, ठीक है, 4.66, 4.66, नहीं तो आप इसे वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं इसे ऐसे ही सॉल्व करता, ठीक है, मैं इसकी जगह क्या ले लेता, x की जगह 4.66 कम से कम होनी चाहिए। 4.66 का मतलब है 4 3 12, तो 14/3, 14/3 को मैं 9 से गुणा करूंगा तो 42 से बड़ा होना चाहिए, रेंज आ जाएगा पूरा, ठीक है। आइए देखते हैं किस तरीके से, अगर मैं ध्यान से देखता हूं, 43 × 9 लेस देन इक्वल्स टू 345 प्लस एक्स, ठीक है, ये कितना आ गया, 4 निम 36, 3 निम 27, 387, तो एक्स की वैल्यू जो है 42 से बड़ी होनी चाहिए। अगर मैं अगला ले लेता हूं, 345 प्लस एक्स, ये लेस देन इक्वल्स टू 44 × 9, ये कितना हो गया, 396, 396 का मतलब है एक्स शुड बी लेस देन 51, तो एक्स की वैल्यू 42 से बड़ी और 51 से छोटी, यानी ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। ए ए ए ए, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, वो मेरे एग्जाम का क्वेश्चन है, मेंस का। मैंने आपसे बोला था वैरायटी जितनी भी होगी मैं सारी कराऊंगा आपको। 65872 क्या है भाई, कहाँ लिखा है 65872, कहाँ लिखा है 65, अरे ये हिंदी में गलत लिखा है भाई, 65 and 72 है, ठीक है, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, सबसे पहले इनका औसत निकालेंगे आप, क्या आएगा, ये आएगा, ये जो औसत है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 43 और लेस देन इक्वल्स टू 44। अगर मैं इतना हिस्सा सॉल्व करता हूं तो ये वाली वैल्यू आ गई, अगर मैं इतना हिस्सा सॉल्व करता हूं तो ये वाली वैल्यू आ गई, अगर मैं कंबाइन कर दूंगा तो ये आ जाएगा, बस और करना क्या है। अगला क्वेश्चन है ये, एन नंबर का औसत ए था, ठीक है, पहले औसत ए था, अब क्या हुआ, पहले नंबर को 2 बढ़ाया गया, दूसरे नंबर को 4, तीसरे नंबर को 8, यानी इंक्रीमेंट इस तरीके से किया गया, 2 + 2 की पावर 2 + 2 की पावर 3, इस तरीके से, ठीक है, इंक्रीमेंट किया गया एन नंबर में 2 की पावर n तक, ठीक है। तो एवरेज ऑफ न्यू नंबर्स इज, अब सभी नंबर्स का एवरेज क्या होगा, देखिए कभी भी मैंने आपको बताया था कुछ भी चीज चेंज होती है तो हम ये देखते हैं उस चेंज से सम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर मैं देखता हूं सम कितना हो गया इसका, सम होता है ये जीपी सीरीज बन गई, ए
आर की पावर एन माइनस वन, आर क्या होता है मल्टीप्लायर, यानी दो से गुणा हो रहा है, एन माइनस वन, ठीक है। ए क्या है पहली टर्म यानी दो, अपॉन आर माइनस वन यानी वन आ गया। तो सम पे इतना इफेक्ट पड़ रहा है, जो टोटल पहले सम था अब उसके अंदर इतना और बढ़ रहा है। अब सम अगर इतना बढ़ रहा है तो एवरेज कितना बढ़ेगा, एवरेज बढ़ेगा 2 × 2 की पावर n माइनस वन अपॉन n। तो जो पहले वाला एवरेज था उसके अंदर अब ये जुड़ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, ऐड क्यों होगा भाई, लॉजिकल बात देखिए ना, आपके पास कुछ नंबर है, अब पहले में आपने दो बढ़ाया, दूसरे में चार बढ़ाया, तो एवरेज बढ़ेगा या घटेगा, एवरेज तो बढ़ेगा ना, अब पहले वाले से ज्यादा आएगा क्योंकि सबके पास अब चीजें ज्यादा आ रही हैं। अब कितना ज्यादा आएगा वो निकालना है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले ये देखिए जो बढ़ोतरी करी गई, ठीक है, तो उससे सम पे क्या इफेक्ट पड़ा, सम कितना बढ़ेगा, सम इतना बढ़ जाएगा। औसत कितना बढ़ेगा, औसत क्या होता है सम अपॉन नंबर एन, तो इतना बढ़ जाएगा औसत, तो जो औसत ए था वो ए नहीं रहेगा, ए के अंदर ये जुड़ जाएगा। शुक्रिया भाई, जीपी का फॉर्मूला भाई पता होना चाहिए पहले से, ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ये सम का फॉर्मूला होता है जीपी सीरीज, सम ऑफ जीपी सीरीज, ठीक है। ए यानी पहली टर्म दो, आर यानी मल्टीप्लायर, किससे गुणा हो रहा है दो से, इसकी पावर एन, एन नंबर ऑफ टर्म्स है, माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, आर क्या था दो था, तो दो माइनस एक एक आ गया, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, कल से नहीं भाई एडवांस स्टार्ट होगा आपका 15 तारीख से, अभी बीच में आपकी ऑफ रहेगा इसलिए आज की क्लास भी थोड़ी बड़ी रहेगी, ठीक है। मैंने बताया 20-25 क्वेश्चन है आज की क्लास के, वो करने ही करने हैं। एक बार देख लेता हूं 25 स्टूडेंट का औसत 75 था, यदि टॉप 3 को ड्रॉप कर दिया गया, 75 था ड्रॉप कर दिया गया तो 2 मार्क्स कम हो गए, अधिकतम अंक पेपर के ये हैं, सेकंड हाईएस्ट स्कोर इज लेस देन 90, बिल्कुल, देन व्हाट शुड बी द मिनिमम वैल्यू, देन व्हाट शुड बी मिनिमम वैल्यू ऑफ हाईएस्ट स्कोर इफ ऑल स्कोर्स आर इन इंटीजर्स, ये आपको बताना है मिनिमम वैल्यू ऑफ हाईएस्ट स्कोर। चलिए आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, 25 विद्यार्थियों का औसत 75 है, टॉप 3 हटा दिए यानी 22 स्टूडेंट का औसत कितना हो गया 73, 22 स्टूडेंट के साथ अगर फर्स्ट वाला सेकंड वाला और थर्ड वाला अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, तो एवरेज कितना होगा 75 हो जाएगा, ठीक है। इस बात का मतलब क्या है, जो फर्स्ट सेकंड थर्ड है इनके पास अपने अपने 75 तो होने ही चाहिए, साथ के साथ इन सबके दो दो भी होने चाहिए, 2 × 42 तो ये कितना हो गया 75 तिया यानी 225 ही हो गया, और 44 269 इन तीनों का टोटल होना चाहिए 269, ठीक है। कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है, पहले वो एमजी टाइप करें फिर बढ़ते हैं आगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था एवरेज है ना सेम क्वेश्चन उठकर आ जाएगा आपके एग्जाम में, इसी तरीके से मैंने एवरेज कराया, मैंने 100-150 क्वेश्चन नहीं कराए कि रिपीटेड ही कराए जा रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग वैरायटी के पकड़े जिससे सोच यहाँ भी जाए और वहां भी जाए। 73 कैसे, 73 हो जाएगा ना भाई, टॉप 3 रैंकर अगर हटा दिए तो औसत 2 मार्क्स कम हो जाता है, 75 से 73 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिएगा, यानी पहला दूसरा और तीसरा मिला के इतना है, अब बहुत ध्यान से यहां बात समझिएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट दिमाग वाली है, मिनिमम वैल्यू ऑफ हाईएस्ट स्कोर, ये वैल्यू आपको मिनिमम चाहिए, ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये मैक्सिमम होगा, जब ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। और ये भी बात बोल रहा है कि सेकंड हाईएस्ट स्कोर जो है वो 90 से कम है,
सेकंड हाईएस्ट स्कोर 90 से कम है, 90 से कम बड़ी से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, जल्दी से बताइए, 90 से बड़ी वैल्यू क्या हो सकती है, ये बताना है आपको। 72 क्यों होगा भाई, औसत दो कम हुआ है, 75 में से दो कम होगा 73 आएगा, 89, बहुत बढ़िया है ना, वेरी गुड, तो ये 89 होना चाहिए। अब 89 से छोटा ऐसा नंबर बताना है, बड़े से बड़ा, 89 से छोटा नंबर और बड़े से बड़ा क्या संभव है बताइए। आप कहेंगे 88, बिल्कुल सही भाई, जब ये 89 होगा ये 88 होगा तो हाईएस्ट नंबर कम से कम आ जाएंगे अपने आप, ठीक है। अब मैं देखता हूं 89 और 88, ठीक है, इसका मतलब कितना हो गया, 160 और 17, 177, ठीक है, 177 आ गया, यानी जो फर्स्ट वाला आएगा उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 92 आ गई, 92 आपका आंसर हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने क्वेश्चन मैं क्लास में करा रहा हूँ ये सेम रिपीट भी हो सकते हैं एग्जाम में, ठीक है, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से समझते हुए चलिए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एम जी टाइप करिए, जल्दी से एम जी टाइप करना है, जल्दी से। थर्ड मैक्सिमम क्यों लिया आप, थर्ड मैक्सिमम क्यों लिया, देखिए ए प्लस बी प्लस सी, यहीं पर समझिएगा, हर चीज के पीछे लॉजिक है, ऐसे अपने आप ही नहीं किया मैंने कुछ। ए प्लस बी प्लस सी 269 था, मैं चाहता हूं ये वैल्यू कम से कम आए, ये छोटी से छोटी कब आ सकती है, जब ये वैल्यू बड़ी से बड़ी हो और ये वैल्यू भी बड़ी से बड़ी हो, ठीक है। अगर ये सेकंड और थर्ड पोजीशन नहीं होता तो मैं इसे भी 89 ले लेता, इसे भी 89 ले लेता, पर क्योंकि सेकंड और थर्ड पोजीशन है इसलिए इसका नंबर इससे बड़ा लेना पड़ेगा। रट्टा नहीं मानना भाई, रट्टा नहीं मानना, मैं समझा रहा हूं आपको, है ना, कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। 2 × 22, दोबारा से देखिए एक बार, बहुत ध्यान से देखना है, एक एक बात को समझना है। 22 विद्यार्थियों का औसत कितना है, 73। आप कहेंगे 73 कैसे आया, मैंने कहा 25 विद्यार्थियों का औसत कितना था, 75, पर 25 में टॉप 3 रैंकर भी थे, टॉप 3 रैंकर ये रहे, 22 बचे। अब वो बोल रहा है अगर इन्हें हटा दिया जाए तो 22 का औसत 73 हो जाएगा, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब ये है जो टॉप 3 हैं इनके पास अपने अपने 75 तो होंगे ही होंगे, इन सब का भी इसने दो दो बढ़ा दिया, तो दो दो कितने बच्चों का बढ़ाया, 22 बच्चों का, तो 2 × 22 हो गया, टोटल आ गया 269, तो तीनों का सम मिला के 269 हो गया, ठीक है। अब कंडीशन यहाँ से शुरू होती है, वो बोल रहा है कि हाईएस्ट वाले के ना कम से कम मार्क्स चाहिए, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू, पर ये कंडीशन भी है कि इसकी वैल्यू 90 से कम होनी चाहिए, 90 से कम बड़ी वैल्यू मैंने 89 ले ली। अगर यहाँ पोजीशन की बात नहीं होती सेकंड और थर्ड की तो मैं इसे भी 89 ले लेता, ठीक है, पर अगर मैं इसे यहाँ 89 ले लेता हूँ तो ये थर्ड कैसे आएगा, ये सेकंड कैसे आएगा, दोनों की सेम पोजीशन हो जाएगी, इसलिए मेरे को यहाँ पर 88 लेना है, ठीक है। अब मैं टोटल करूँगा, घटाऊँगा तो फर्स्ट की वैल्यू 92 आ जाएगी। चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूँ अब एक एक बच्चे को मेरी बात क्लियर होगी। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, चलिए आइए। अगला क्वेश्चन है ये, और ये एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, देखिए ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। 7 आदमी, 11 महिलाएं, 2 लड़कों का औसत इतना है, डेली एवरेज इनकम आदमी की औसत इनकम महिला से और महिला की लड़के से 10 ज्यादा है, आदमी की 20 ज्यादा है, 20 मतलब 10 इससे ज्यादा है, ठीक है। और आपको बताना है एवरेज डेली इनकम ऑफ मैन, x प्लस 20 की वैल्यू आपको बतानी है बेसिकली, ठीक है। देखिए सबका औसत कितना था, 257.5 ये औसत था, ठीक है। अगर 7 आदमी की बात करें, 7 आदमी, ठीक है, 7 आदमी अगर कंट्रीब्यूट करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो प्रत्येक आदमी 20 ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, 7 आदमी कितना ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, 20 × 7,
तो औसत में से 7 कम हो जाएगा, ठीक है, औसत में से 7 कम हो जाएगा। अगर हम लड़कों के हिसाब से बात करें तो हमने ये देखा कि लड़के की तुलना में हर आदमी 20 ज्यादा दे रहा है। 7 आदमी कितना ज्यादा देंगे, 20 × 7, औसत में कितना ज्यादा ऐड होगा, इतना ज्यादा ऐड होगा, यानी 7। तो इसका मतलब है ये वाला, अगर इस पूरे की औसत में से अगर मैं 7 घटा दूं, ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं महिलाओं का भी कैलकुलेट करता हूं, 10 × 11, और महिलाएं कितनी है, 11 हैं, ठीक है, तो ये कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है, तो 10 × 11 है। अगर मैंने 11 महिलाओं का ये हटा दिया तो ये कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा, 11 × 10 बटे 11 नहीं आएगा, एक सेकंड रुकिए, बटा क्या आएगा, 20 आएगा, क्योंकि टोटल लोग तो 20 है ना, ठीक है। एक बार दोबारा से देखिए, देखिए 257.5 एवरेज था इन सबका मिलाकर, ठीक है, इन सब का मिलाकर जब 7 आदमी थे, 11 महिलाएं थी और 2 लड़के थे, ठीक है। अब मैंने क्या करा, मैंने ये करा कि भाई प्रत्येक आदमी एक लड़के से कितना अधिक दे रहा है, 20 अधिक दे रहा है। अब मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां से मैं लड़के का औसत निकालना चाह रहा हूं। लड़के का औसत कैसे निकलेगा, अगर मैं ये देख लूं कि भाई इसने कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट किया, इसने कितना एक्स्ट्रा किया, जो एक्स्ट्रा वाला पार्ट है वो मैंने घटा दिया, जो बचा होगा वो लड़के का औसत आ जाएगा, ठीक है। वो किस तरीके से देखेंगे, टोटल औसत ये है। अगर मैंने क्या करा, मैंने देखा आदमी, एक आदमी 20 ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 7 आदमी 140 ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, पर औसत में कितना ज्यादा हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 20 किया, क्योंकि 20 लोग हैं, तो इसमें से मैंने ये काटा तो -7 कर दिया, यानी अब मैंने आदमी वाला हिस्सा एक्स्ट्रा जो था वो घटा दिया। इसी तरीके से मैं महिलाएं देखूंगा कि इसकी तुलना में कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रही हैं। तो मैंने देखा 11 महिलाएं हैं, प्रत्येक महिला 10 एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट कर रही है, तो 11 × 10 हो गया, डिवाइड बाय 20 किया, क्योंकि टोटल लोग 20 हैं, ठीक है। तो मैंने देखा ये कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट हो गया, ये -5.5, ठीक है, यानी 12.5 मेरे को इसमें से घटाना है, बचा कितना, 245। तो 245 जो आएगा ये किसका औसत होगा, लड़कों का, बॉयज, ठीक है। अगर 245 लड़के का औसत है, क्योंकि एक्स्ट्रा वाला पार्ट हमने हटा दिया है, ठीक है, तो क्या वैल्यू मिलेगी, एक्स की वैल्यू मिलेगी, एक्स के हिसाब से कितना औसत होता। तो 245 अगर लड़कों का है, अगर मैं इसमें 25-20 जोड़ता हूं तो आदमियों का औसत आ जाएगा, तो सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो क्वेश्चन आपको थोड़ा आसान लगेगा, अदरवाइज क्वेश्चन मुश्किल है, कैलकुलेटिव है। कैलकुलेटिव किस तरीके से, आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पूरा किस तरीके से सॉल्व करेंगे, अगर मैं देखता हूं पूरा सॉल्व करना पड़ेगा इस तरीके से, कितना है 257.5, कितने लोग हैं, 20 लोग हैं, लड़के कितने हैं, लड़के का औसत एक्स है, 2 लड़के हैं, 11 महिलाएं हैं, और आदमी कितने थे, 20, ये इनका औसत है। अब मैं इसे सॉल्व करूंगा और आंसर निकालूंगा, x की वैल्यू निकलेगी, फिर x प्लस 20 की वैल्यू निकलेगी। एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है। दूसरे तरीके में इस तरीके को एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं। देखिए ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है, अगर ये हट जाए तो आपको जो औसत मिलेगा वो x की वैल्यू मिलेगी, मिलेगी ना, ध्यान से देखिए बहुत। अगर ये एक्स्ट्रा पार्ट हट जाए तो आपको जो औसत मिलेगा वो x की वैल्यू मिलेगी। अब मैं ये देखता हूं जो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हो रहा है, ठीक है, वो कितना कितना एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो एक आदमी, एक महिला और एक लड़के का है। अब मैंने एक बात देखी, यहां पर मैंने देखा 7 आदमी कितना एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूट करेंगे, 20 × 7 = 140 एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है इसमें, ठीक है, तो 20 से भाग किया तो 7 आ गया, यानी वो 7 औसत में से घटाना पड़ेगा। महिलाएं कितना एक्स्ट्रा दे रही हैं, 10, और 11 महिलाएं हैं तो 110 देंगी, ठीक है, पर 20 के हिसाब से औसत में कितना एक्स्ट्रा जुड़ा होगा, 5.5।
अगर मैंने ये दोनों एक्स्ट्रा पार्ट निकाल दिया तो बचा क्या, औसत x की वैल्यू बची, x की वैल्यू 245 आ गई, अगर मैं 20 जोड़ूंगा 265 आ जाएगा, 265 आपका आंसर आ जाएगा। भाई एडवांस आप कह रहे हैं एग्जाम में कैसे करेंगे इस टाइप का क्वेश्चन, अगर पहले से कर रखा होगा तो ही पेपर में अटेम्प्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे भाई। ठीक है, नहीं समझ आया तो भाई दोबारा से देख लेना एक बार और। चलिए बढ़ते हैं आगे भाई, ये जो निकाला है आपने औसत निकाला है, 3x नहीं निकाला, 3x बाय 3 निकाला है। ये क्वेश्चन मेरे टाइम में नहीं आया था, ये वाला पिछला क्वेश्चन आया था। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ना, पहले मैं ये फाइल सेव कर लेता हूं। और कुछ चार एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा थे जो इसमें नहीं आ पाए कल की क्लास के, पहले वो कराऊंगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे सीपीओ सीजीएल, जो मैं हर चैप्टर में लास्ट में अपडेटेड क्वेश्चन लेता हूं, ऐसे जिनमें मेरे को थोड़ा बहुत कुछ अलग लगा। ठीक है देखिए, ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, ये वाला भी कर लिया था, ये वाला भी कर लिया था, ये करना था। एक सेकेंड, एक सेकेंड, लास्ट में करेंगे। चलिए फिर इसके अलावा भी और क्वेश्चन है, मैं लिख दूंगा। पहले ये देख लेते हैं, इसके अलावा भी क्वेश्चन है मैं लिख दूंगा। वेट करिए एक सेकेंड। देखिए कोई क्वेश्चन छूट ना जाए इसलिए मैं देख रहा हूँ ध्यान से। ठीक है, मैं नहीं चाहता एक भी क्वेश्चन छूटे। आइए अभी वही कर लेते हैं जो बचे थे हमारे क्वेश्चन, ये तो हमने कर लिया। यहां से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, CHSL CPO CGL उनके क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे। एन नंबर का औसत 58 है, प्रत्येक को 65% बढ़ाया गया, उन नंबर्स को 16 बढ़ाया गया, 65% को 16 बढ़ाया गया, शेष को 9 घटाया गया, तो आपको बताना है नए नंबर का औसत कितना होगा। आइए देख लेते हैं, मान लेते हैं 100 नंबर थे। ठीक है, तो 65 × 16 ये इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, और शेष कितने बचे, 35 नंबर, डिक्रीमेंट हुआ कितना, 9। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था ना हम क्या करते हैं, नेट सम में देखते हैं क्या बदलाव आया। तो सम में देखिए इंक्रीज इतना होगा, डिक्रीज इतना होगा। अगर मैं 16 × 65 करता हूँ 1040, 35 × 9 270 और 45 315। ठीक है, अगर घटाता हूँ तो 25 आ गया, 725 आ गया। ठीक है, 725 का सम में बदलाव आएगा, तो औसत में कितना बदलाव आएगा, 725/100, यानी जो औसत होगी 7.25 बढ़ जाएगी पहले से। अगर 7.25 बढ़ेगी, 58 + 7.25 65.25, यानी सी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। सी 35 कहां से, एक बच्चे ने ये पूछा है भाई, 65% नंबर अगर इधर है, बाकी बचे कितने हैं, 35%, तो 35 इधर आ जाएंगे। एलिगेशन से भी आप कर सकते हैं अगर चाहें तो, किस तरीके से आइए देखते हैं। मैंने बोला 65% नंबर जो है 16 बढ़ जाता है,
35% नंबर में नो घट जाता है, तो नेट मैं देखूंगा कितना बढ़ेगा या घटेगा। अगर मैं 5 से काटता हूँ 13 और 7, ठीक है। अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ, आप सम वाला पैटर्न भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप वैसे भी देख सकते हैं जैसे डायरेक्ट देखा जाता है, ठीक है। वो कैसे देखा जाता है, 13 × 16 - 7 × 9, 13 × 16 कितना हो गया, 160, 48 208, ठीक है। 208 में से 63 आप घटाएंगे, ठीक है, तो 145 आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या करेंगे 20, तो 7.25 आ जाएगा। तो यानी 7.25 का इंक्रीमेंट होगा किसके अंदर, 58 के अंदर, तो वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, हाँ भाई 100% की वजह से आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, ठीक है। सीजीएल प्री 2018, एक क्लास में 50 विद्यार्थी हैं, 40% लड़कियां हैं, 60% लड़के हैं, पूरी क्लास का औसत ये था, लड़कों का औसत ये था, तो लड़कियों का औसत बताना है क्या होगा। अगर देखता हूँ 2:3, इसकी वैल्यू कितनी है, 2.4 की जगह मैं 12 देखता हूँ, 12 × 36 हो गया 3.6। अगर मैं 3.6 इसमें जोड़ूंगा तो ये कितना आएगा, 68 आ जाएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, डी 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 डी। एडवांस का सारा क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा भाई, बुक में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, हजार हजार क्वेश्चन ज्योमेट्री मेंसुरेशन के हैं लक्ष्य 200 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ध्यान से देखिए। देखिए ज्यादा चीजें अपडेटेड नहीं हो रही हैं, जितना हो रहा है ना वो मैं क्लास में लेकर ही चल रहा हूं, और उससे ज्यादा मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। एवरेज वेट ऑफ बॉयज इन अ क्लास इज 69.3, लड़कों की औसत जो है 69.3 है, लड़कियों की 59.4 है, 63.8 है मिलाकर, तो आपको बताना है नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। यहाँ क्या निकलता है, नंबर निकलता है। मैंने एवरेज जब शुरू किया था आपको बताया था, मैक्सिमम जगह हम एलिगेशन से काम कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप देखें इसमें और इसमें अंतर, ध्यान से देखिएगा। अब पॉइंट ऐसा कभी भी घटाना हो ना तो आप पॉइंट भूल जाइए, अगर मैं पॉइंट भूल जाता हूँ 594 - 638, तो सीधा दिखता है 44, इसमें से इसे घटाऊंगा तो 55 दिखता है, 44 - 55 का मतलब है 4 5 का मतलब है 4/9, 4/9 का मतलब है 44 4/9%, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। देखिए छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ घटाते हैं, अगर डेसिमल के साथ घटाएंगे तो मुश्किल पड़ेगा, सीधा देखिए आसान पड़ेगा, सीधा देखिए आसान पड़ेगा, क्योंकि रेशियो निकालना है, सेम नंबर ऑफ डेसिमल है, डेसिमल से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। चलिए बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन है ये। किसी कक्षा में नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे, 75 थे, ठीक है, जिसमें से एक तिहाई लड़के थे, बाकी बची लड़कियां थी। एवरेज स्कोर इन मैथमेटिक्स ऑफ बॉयज इज इतना, इतने ज्यादा है गर्ल्स से, ये क्या होता है 2/3, अगर इसका 3x है तो इसका 5x होगा, ठीक है। औसत कितना है 66। अब मेरे को ये सॉल्व करना है। अब देखिए मैं ये तरीका हमेशा अपनाता हूँ, जैसे अभी पीछे दिखाया था, इसको इससे गुणा करो, इसको इससे गुणा करो, 5 और 6 = 11, 11x की वैल्यू कितनी हो गई, इन दोनों को जोड़ के इससे गुणा करो, 66 × 3, मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, 3x की, एवरेज ऑफ गर्ल्स। मैं चाहूँ तो 3x देखते ही 3 का मल्टीपल भी देख सकता था, 3 का मल्टीपल डायरेक्ट आंसर हो जाता, ये चीजें साथ के साथ सीखिए। 3x देखते ही 3 का मल्टीपल कर सकते थे, अगर निकालना भी है तो आप देखिए 6 × 3,
तो इसको इंटू 6 इंटू 3 तो 54 आपका आंसर हो गया। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। एक बार क्वेश्चन देखिए वाले, क्वेश्चन भेजे मैंने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। एवरेज स्कोर ऑफ 42 स्टूडेंट इज 69, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू डेट ऑफ गर्ल, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात ये है, ठीक है। एवरेज है 69। एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज इज 20% मोर देन, ये अगर 5x है तो ये 6x होगा। तो एवरेज स्कोर ऑफ बॉयज आपको बताना है क्या होगा। आइए ध्यान से देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सेम उसी पैटर्न से इसे सॉल्व करता हूं जैसे मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 60 और 55, 115x की वैल्यू कितनी है, 21 × 69, ठीक है। ये है, मेरे को किसकी निकालनी है, 6x की, ये वैल्यू मेरे को निकालनी है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं 23 से काटता हूं तो 5 आ गया, 23 से काटता हूं तो 3 आ गया, तो 5x की वैल्यू है 21 × 3, ठीक है, 63। तो 6x की वैल्यू क्या होगी, एक तो 9 का मल्टीपल आएगा, 9 का मल्टीपल कहां कहां पर है, यहां तो नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, दोनों ऑप्शन में है, ठीक है। कई बार ऐसा ऑप्शन फंस जाता है तो हमें देखना पड़ेगा ये कैसे होगा। अगर दोनों तरफ 9 का मल्टीपल आएगा ही आएगा, अब मैं ये देखूंगा आंसर किसके करीब आएगा, मैं पूरा सॉल्व नहीं करना चाहता। तो 12 × 5 = 60, ठीक है, क्योंकि यहाँ 63 है, 12 गुना, तो 12 गुना हो गया 72, तो 72 के आसपास, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। डी 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 किसी लड़की के ठुकराने के बाद उसी के पीछे भागना चाहिए, दूसरी देखनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में क्या डिफरेंस है भाई, पहले अपना करियर देखना चाहिए। कल ही आपको बताया था, कल ही वीडियो भी डाली है, ठीक है। सबसे पहले आपका करियर है, उसके बाद सब चीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, जो कि एक बहुत बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, पर मेंस 2018 में आया, देखिए, करेक्ट टू 1 decimal, इसलिए मैंने बोला बड़ा लग रहा है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। 33 नंबर में से 17 नंबर का औसत 72.8 है, 17 से लेके 33 तक का औसत 77.2 है, औसत कितना था 74, 74 से कितना ज्यादा कितना कम, 1.2 × 17, ये कितना ज्यादा, 3.2 × 17, तो नेट रिजल्ट देखता हूं मैं कितना, +34, ठीक है, +34 आ गया। अगर मैं नेट रिजल्ट देखता हूं, यानी जो 17वां नंबर है, 17वां नंबर के पास 34 एक्स्ट्रा होना चाहिए, जो 17वां नंबर होगा उसके पास औसत से 34 एक्स्ट्रा होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं क्वेश्चन देखता हूं, वो ये बोलता है यदि 17वें नंबर को आप हटा ही दें, अगर आप 17 नंबर हटाते हैं, 17वां नंबर, ठीक है, तो क्या होगा, औसत तो जाएगा ही जाएगा जो इनका है, साथ के साथ ये 34 भी चला जाएगा, 34 भी अगर जाएगा तो पुराना औसत जो था 74, उसमें से 34 जाएगा, और अब नंबर कितने हो गए, 32 नंबर हो गए, तो ये 17/16 हो गया। 17/16 अगर मैं निकालता हूं, 16 एकम 16, 1/16 0.0625 होता है,
तो 73 के करीब आएगा, 73 के करीब, यानी ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए 12 × 60 क्यों किया, पिछले क्वेश्चन में था शायद वो। चलिए ध्यान से देखिए, एक बार रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा बहुत, ठीक है। मेंस 2018 का क्वेश्चन है, पहले 17 नंबर का औसत इतना था, आखिरी 17 नंबर का औसत इतना है, सबका मिला के जो औसत था वो 74 था। 74 से कितना परे है, इतना परे है, 74 से कितना परे है, इतना परे है, नेट रिजल्ट कितना हो गया, +34, ठीक है। अब आपने एक बात देखी, जो 17वां नंबर होगा उसके पास एवरेज के अलावा 34 और होना चाहिए, ये लॉजिक है यहां पर, ठीक है। एवरेज के अलावा 34 और होना चाहिए, पर अगर आप 17वां नंबर हटाते हैं तो 74 तो उसका गया ही गया, एवरेज तो गया ही गया, पर 34 और कम हो गया। 34 अगर कम होगा तो 34/32 इसलिए क्योंकि अब नंबर 32 है। इसका एक तरीका और हो सकता है, इसका एक तरीका और हो सकता है, अगर मैं आपसे बोलूं इसका एक और तरीका देखिए क्या हो सकता है, अगर ये समझना है तो बिल्कुल बेसिक पे जाते हैं। बिल्कुल बेसिक क्या कहता है, बिल्कुल बेसिक ये कहता है 33 नंबर है जिनका औसत 74 है, इसमें अगर मैं 17वां नंबर जोड़ता हूं, क्योंकि जो पहले 17 नंबर हैं और आखिरी 17 नंबर हैं उसमें 17वां नंबर दो बार काउंट हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए ये मैंने 17वां नंबर माना, 17th नंबर। औसत में तो 17 वाला नंबर हो गई होगा, उसके अंदर एक और जोड़ दिया तो ये टोटल हो गया। अब आप x के लिए सॉल्व करेंगे, x को सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, थोड़ा सा समझिएगा, दोबारा से रिपीट देखिएगा, अगर समझ नहीं आया है तो, ठीक है। पर क्वेश्चन है कॉम्प्लिकेटेड सा है थोड़ा सा, ठीक है, पर थोड़ा सा समय देंगे क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एवरेज मार्क्स ऑफ 40 विद्यार्थी, ये पाया गया कि 68 हैं, यदि दो विद्यार्थियों के नंबर गलत डाले गए, 48 और 64 की जगह 84 और 46 डाल दिए गए, ठीक है, 84 और 46 की जगह 48-64 डाल दिए गए, अंतर कितने का आएगा, ये 20 प्लस हो गया, ये 2 माइनस हो गया, +18 का, तो टोटल में 18 और बढ़ना चाहिए, और औसत में कितना बढ़ना चाहिए, डिवाइड बाय 40, 4 से भाग करता हूं, 4 × 16 = 5, तो 68.45, क्योंकि नीचे 10 है तो 0.45 आ जाएगा, तो 68.45 कहां पर है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। नहीं आया, एक बार दोबारा से देखिए, आप सबसे पहले एक स्टार्टिंग से मैं लॉजिक गा रहा हूं, आप ये देखिए कभी भी सम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। आपने देखा ये लिखा गया, लिखा जाना चाहिए था ये 20 कम लिखा गया है और ये 2 ज्यादा लिखा गया है, तो यानी नेट 18 कम लिखा गया है, तो टोटल में 18 और जोड़ना पड़ेगा, तो औसत में कितना जोड़ना पड़ेगा, 18/40, क्योंकि 40 नंबर है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही है, अगला क्वेश्चन आपके सामने ही है, वेरी गुड वेरी गुड, शुक्रिया भाई। ध्यान से देखिए, 18 नंबर्स का औसत कितना है, 37.5, ठीक है। यदि यदि
वो बोलता है छह नंबर जिनका औसत एक्स है वो ऐड कर दिए जाएं, ठीक है। यदि छह नंबर 1 2 3 4 5 6 जिनका औसत x है वो ऐड कर दिए जाएं तो सबका औसत 1 बढ़ जाता है, 38.5 हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना है x की वैल्यू क्या होगी, यानी इन नंबर का औसत क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, मेरे को सीधा सीधा क्या देखना है, ये जो नंबर है इनके पास अपना 38.5 तो होगा ही होगा, बिल्कुल होगा, पर इन सबका एक एक एक्स्ट्रा होगा। एक एक एक्स्ट्रा का मतलब है टोटल में कितना एक्स्ट्रा हुआ, 18 एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है। कितने बंदे हैं, 6 बंदे हैं, तो औसत में कितना एक्स्ट्रा हो जाएगा, 3 एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर मैं 3 जोड़ता हूं तो 41.5 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा, डी 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 डी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एम जी टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत ही शानदार। अगला क्वेश्चन है ये, देखिए इन्हें कराए बिना भी काम चल जाता, पर मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदारी मेरी है पूरा कराने की, और ये बात बोल रहा हूँ जितना आपको कराया केवल उतना कर जाना, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस घर पर प्रैक्टिस करिए प्रीवियस ईयर की और क्लास करिए, बस इसके अलावा कुछ नहीं। एवरेज वेट दे रखा है स्टूडेंट का इतने में, बाद में ये पाया गया 4 विद्यार्थी और शामिल हो जाते हैं जिसके कारण औसत जो है 240 ग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द ग्रुप। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये देखना है सबसे पहले जिसमें नंबर नहीं दे रखा कितने लोग हैं, वो ही पूछा गया होगा। आपको क्या करना है, ये देखना है सम में कितना इंक्रीज हो रहा है, फिर देखेंगे एवरेज में कितना इंक्रीज हो रहा है, फिर उससे एन निकल जाएगा। एन कैसे निकलेगा, सम का इंक्रीज अपॉन एवरेज का इंक्रीज, ठीक है। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, जब 4 नए लड़के आए तो औसत में कितना बड़ा या कम हुआ, ठीक है। आपने देखा 75.4, अब मैं 0.4 हटा देता हूं, अगर मैं 0.4 हटाता हूं तो मैं देखता हूं कितना कम, 25 कम, ठीक है। अब मैं देखता हूं यहां पर कितना कम, 16 कम। अब मैं देखता हूं यहां पर कितना ज्यादा, 41 ज्यादा। पॉइंट हटाइए, कैलकुलेशन आसान लगेगी, 74 54 यानी 120। अब मैं देखता हूं इससे ये कटा इससे ये कटा तो ये कितना आ गया, 12। तो सम में कितना इंक्रीज हुआ, 12 इंक्रीज हुआ, 12.0, ठीक है। 120 को लिखूंगा 12.0। अब वो क्या बोल रहा है, औसत कितना बढ़ रहा है, 240 ग्राम, ये कितना है किलोग्राम है, 12 किलोग्राम का मतलब 12000 ग्राम, 240 ग्राम का मतलब 240 नीचे आ गया। 240 इसका कितने गुना आएगा, 240 को अगर आप 5 से गुणा करेंगे तो 1200 आएगा, तो इसका मतलब है लोगों की संख्या कितनी हो गई, 50 हो गई। पर इसने क्या पूछा है, पहले पूछा है ये जो निकलेगा का क्या निकलेगा, ये अब है 50 अब है, तो पहले इससे 4 कम करेंगे तो 46 आ जाएगा, 46 यानी ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ए ए ए ए ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। देखिए ये वैरायटी रह गई पर मुझे लगा कि करनी जरूरी है, आनी चाहिए, इसलिए मैंने शामिल कर दी यहां पर, ठीक है। तो क्वेश्चन केवल वही लिए जो मुझे लगता है हाँ थोड़े अलग है, ये भी आने चाहिए। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूँ, ध्यान से समझिएगा, कई क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जिसके अंदर लोगों की संख्या नहीं दे रखी और उसमें 4 लोग जोड़ दिए, बोला औसत इतना बढ़ गया, तो ये बताइए पहले लोग कितने थे। अब आपको क्या करना है, एवरेज क्या होता है, सम अपॉन नंबर होता है, एवरेज जल आएगा तो सम अपॉन नंबर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पीपल अगर निकाल लें तो आप ये देखिए सम कितना बढ़ गया, औसत कितना बढ़ा, ठीक है। अब मैं देखता हूँ सम कितना बढ़ा, मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे पास आ गया 120, जिसे मैंने 0 हटा के लिखा था, तो 12.0, 12 किलोग्राम सम बढ़ गया। पर औसत कितना बढ़ा है, औसत तो केवल 240 ग्राम ही बढ़ा है, तो
तो कितने लोग हो गए, 50, यानी अब लोगों की संख्या कितनी है, 50 है। अगर उसने अब वाला पूछा होता तो देखिए 50 मार्क कर देते, पर उसने पूछा है पहले वाला तो 46 आंसर हो गया। इस तरीके के एक दो क्वेश्चन और आएंगे, ठीक है। जैसे कि ये है आपके सामने, ये मेंस 2018। अब देखिए एग्जाम में पैटर्न रिपीट हो रहा है, वो किसका क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन था सीपीओ 2018, ये किसका है, मेंस 2018। एवरेज वेट कितना था, 72 था, 10 स्टूडेंट आए, 78 किलोग्राम वाले चले गए, ठीक है। तो टोटल में से क्या चेंज हुआ, माइनस छ, ठीक है, इंटू 10, क्योंकि 72 किलोग्राम औसत है, अगर 6 किलोग्राम ज्यादा था इनके पास और 10 बच्चे थे तो 60 कम हो जाएगा क्योंकि वो चले गए। आए कितने, शामिल कितने हुए, 4 शामिल हो गए 80 किलोग्राम वाले, कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, कितने लोग हैं, 4। तो टोटल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, आप यहां पर देखिए ध्यान से, टोटल पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, 60 और 32 यानी 28 हो गया, 28 किलोग्राम कम होगा सम के अंदर। औसत कितना कम हो रहा है, 0.7 किलोग्राम। तो अब लोगों की संख्या कितनी होगी, 28/0.7 यानी 40। क्या उसने अब वाला पूछा है, उसने पूछा है पहले वाला, पहले वाले में और अब वाले में क्या बदलाव होगा, ये पहले वाला था, इसमें से 10 चले गए, 4 जुड़ गए, तो x माइनस 6 हो गया। तो अब जो लोगों की संख्या है वो 6 कम है, पहले इससे 6 ज्यादा रही होगी, 6 ज्यादा होगी तो 46 आ जाएगा, 46 आपका आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। भाई जरूरी है ये सब क्वेश्चन करने, एग्जाम में मिलेंगे आपको, मैंने बोला है ना आखिरी कोचिंग रहेगी, कोचिंग तो आखिरी रहेगी, वो बात अलग है कि आप किस हिसाब से पढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है एसएससी एग्जाम क्लियर करने के लिए। आज खत्म ही करेंगे भाई पूरा इसे, अगला क्वेश्चन है ये भी उसी पैटर्न पे है शायद, देखिए सीपीओ 2019, सीपीओ 2019 ध्यान से देखे, अगर एक बच्चे के मार्क्स 93 रिकॉर्ड कर लिए गए 63 की जगह, इसका मतलब 30 ज्यादा, ठीक है, 30 ज्यादा रिकॉर्ड कर लिए गए, जिसके कारण क्या हुआ, जिसके कारण औसत जो है 0.5, औसत जो है 0.5 ज्यादा आ गया, ठीक है। तो बच्चों की संख्या कितनी आएगी, 60 आ जाएगी, 60 का मतलब क्या है, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे क्लास में, इतने होंगे 60, यहां बच्चों में चेंज नहीं हो रहा, सम के अंदर बदलाव हो रहा है इतना, ठीक है, 63 की जगह 93 हो गया, प्लस 30, ठीक है, प्लस 30 हो गया सम के अंदर, औसत में कितना बड़ा 0.5, यानी नंबर कितना रहा होगा 60, क्योंकि नंबर तो चेंज हो ही नहीं रहा, इसलिए नंबर की वैल्यू 60 आ गई। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। भाई इंजीनियर है बट मटर के दाने छिलवा रही है मम्मी और क्लास भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई, मटर भी छिलिए और क्लास भी करिए, करने वाले सब काम कर लेते हैं, ठीक है, एक्सक्यूज नहीं मानना है कोई, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखिएगा, कुछ विद्यार्थियों का औसत 60.5 था, जब 8 विद्यार्थी जिनका औसत 65 था, इससे कितना ज्यादा, 4.5 ज्यादा, और शामिल हो जाते हैं तो सम में इतना बढ़ जाएगा, ठीक है, औसत कितना बढ़ रहा है 0.9,
तो 5 × 8 = 40, 40 विद्यार्थी अब हैं, पहले कितने रहे होंगे? 8 + 32 आपका आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ए ए ए ए ए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखिए 3, 4, 5 क्वेश्चन यहाँ पर हमने लिए हैं, डाटा अलग अलग है पर ये पैटर्न बताने के लिए, और इसलिए सीपीओ 2019, सीपीओ 2018, मेंस 2018, मेंस 2019, इन सब में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। एन ऑब्जर्वेशन का औसत 40 है, यदि 80 वाली वैल्यू ऐड कर दी जाती है तो औसत जो है 41 हो जाता है। तो आपको बताना है एन की वैल्यू, एन की वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है? कितना इंक्रीज हो रहा है? 40 इंक्रीज हो रहा है। औसत में कितना बढ़ रहा है? ठीक है, औसत में कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। इसका मतलब अब जो संख्या होगी वो कितनी होगी? 40 होगी। पहले कितनी होगी? 40 में से 1 + 39, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, डी 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 डी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। अब देखिए पैटर्न वही है पर घुमा फिरा के एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछ रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकेंड रुक जाइए। ये क्वेश्चन मैं लिख ही देता हूं, रुक जाइए। क्वेश्चन क्या है, वेट करिए, कुछ एक क्वेश्चन मेरे को लिखने हैं, मैं लिख देता हूं जरा, पहले मैं ये सेव कर लेता हूं। शुक्रिया भाई। अब देखिए 4-5 क्वेश्चन बचे हैं जो मेरे को लिखने भी हैं, ठीक है? 40 कैसे आया? अरे 40 औसत था, बात समझिए, उसमें 80 वाला नंबर जोड़ा, औसत से कितना जा रहा है? 40, तो वो सम में कितना बढ़ा देगा? 40 बढ़ा देगा, पर औसत कितना बढ़ रहा है? 41 हो गया, 1 बढ़ रहा है, तो नंबर कितना आ गया? 40 आ गया। यानी अब 40 संख्या होंगी 1 जोड़ने के बाद, पहले कितनी रही होंगी? 39 रही होंगी। एक सेकेंड, ये फाइल तो नहीं है, चलिए इस क्वेश्चन को मैं पहले ट्रांसलेट कर देता हूं, इंग्लिश में भी लिख देता हूं, ठीक है? इन अ मैच ऑफ 50 ओवर, देखिए क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए कोई, इसलिए अलग अलग से क्वेश्चन मैंने इधर उधर से निकलवाए हैं, ठीक है? क्योंकि जो है पूरा वो तो करें ही। द टीम ए हैड अ रन रेट ऑफ 6.1 रन्स पर ओवर, ठीक है? टीम बी इज प्लेइंग और 10 ओवर बचे हैं, 10 ओवर्स आर लेफ्ट, ठीक है? और रिक्वायर्ड रन रेट कितनी है टू टाई द मैच? टू टाई मैच इज 6.5 पर ओवर, ठीक है? वॉट इज टीम बी स्कोर नाउ?
टीम बी का स्कोर क्या है अभी, ये बताना है आपको। ऑप्शन भी आपके पास 235, 240, 230, 225, ठीक है। आइए देख लेते हैं ध्यान से, बहुत ध्यान से देखिएगा। 240, क्या बात है, मैच देखने वाले सारे बैठे हुए हैं पहले से ही, ठीक है। ध्यान से देखें, 50 ओवर में टीम ए ने 6.1 रन प्रति ओवर से रन बनाए, यानी कितने रन बना लिए, 305 रन बना लिए, ठीक है। टीम बी प्ले खेल रही है, 10 ओवर बचे हैं, रिक्वायर्ड रेट है 6.5, यानी 65 रन चाहिए। तो यानी अब कितना स्कोर होगा, 240 रन का। तो 240 आपका आंसर हो जाएगा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, ठीक है। एक सेकेंड, चलिए ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन है आपके सामने ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, पर मैं क्लास में लूंगा जरूर इसे। एक क्लास में कुछ निश्चित बच्चे हैं विद सर्टेन स्टूडेंट्स, ठीक है। एक विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलोग्राम है जोड़ा जाता है, ठीक है, और एवरेज 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। यदि एक और विद्यार्थी जिसका वजन 50 किलोग्राम है जोड़ा जाए, तो औसत 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो शुरुआती ओरिजिनल एवरेज वेट ऑफ क्लास आपको बताना है, एवरेज वेट ऑफ क्लास क्या होगा, ठीक है। इसके भी ऑप्शन है आपके पास, 46, 4, 2, 47, ये ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक क्लास में कुछ विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी 50 किलोग्राम वाला ऐड होता है तो औसत 1 बढ़ जाता है, ठीक है। यदि एक और विद्यार्थी 50 किलोग्राम वाला ऐड होता है, ठीक है, तो 1.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक। तो ओरिजिनल वेट बताना है, मान लेते हैं ओरिजिनल बच्चों की संख्या इतनी है नंबर, और वाई हो गया औसत, ठीक है। पहली इक्वेशन अगर मैं बनाऊं, टोटल वजन कितना आ गया ये क्लास का, इसमें अगर 50 वाला जोड़ते हैं तो बच्चा 1 बड़ा और औसत भी 1 बड़ी, ठीक है। दूसरा, अगर एक और बच्चा जोड़ते हैं एक्स वाई प्लस 100, तो बच्चे हो जाएंगे बढ़ जाएंगे 2 और औसत बढ़ेगी 1.5। ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके आपका आंसर आएगा। सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 47 आएगी, क्योंकि मुझे ध्यान है इसका आंसर 47 है, ठीक है। तो 47 आपका आंसर आएगा, पर दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके।
मल्टीप्लाई करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप ध्यान से देखें तो। बस ध्यान से अगर मैं देखता हूँ, एक्स वाई तो कट जाएगा, एक्स प्लस वाई की वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, प्लस वन ये 49 आ जाएगा, पहली इक्वेशन ये बन गई। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ध्यान से देखिए, एक्स वाई कट जाएगा, मिलेगा क्या, 2y और 1.5x, 1.5x और 2y, ठीक है, दो और डेढ़ यानी तीन, 300 में से गया 97। दूसरी इक्वेशन ये मिलेगी, दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आई, जल्दी से mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नहीं भाई, ये इस तरीके से ही करना पड़ेगा। x प्लस टू, देखिए एक बच्चा ऐड किया था यहाँ पर, अब यहाँ पर एक बच्चा और ऐड किया है, तो इसलिए पुराने संख्या से दो बच्चे बढ़ गए हैं इसमें। एक बार दोबारा से क्लियर करूँ, चलिए शुक्रिया भाई, कोई और मेथड नहीं है, इस तरीके से ही करना पड़ेगा। देखिए क्योंकि मैं चाहता तो इसे हटवा भी सकता था, देखिए आपने वो पता ही, अभी नई PDF लगवाई है मैंने, ठीक है, पर नहीं, जो आई है चीज़ आ भी सकती है, वो लेकर ही चलेंगे, ठीक है, जो सच है तो सच है। अब आप देखिए, x नंबर ऑफ स्टूडेंट है, y औसत है, तो टोटल वेट कितना हो गया, इतना टोटल में 50 वाला बच्चा जोड़ा तो औसत बढ़ गई एक और नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ गए एक, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को औसत से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा वो आ जाएगा टोटल, यही हमने यहाँ किया। अब बच्चों की संख्या दो बढ़ गई, औसत में केवल डेढ़ बढ़ा, ठीक है, तो नया टोटल ये है और दो बच्चे जुड़े हैं 50 वाले, तो ये हो गया, सॉल्व करेंगे ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, इसे तो हिंदी में लिखने की जरूरत लग नहीं रही, ऑप्शन जरूर लिख देता हूं, 45, 46, 44, 43, ये हो गया। एक बल्लेबाज ने 21वें मैच में 87 रन बनाए तो उसका स्कोर दो रन बढ़ जाता है, उसका औसत स्कोर दो बढ़ जाता है, एवरेज दो इंक्रीज हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 20 मैच का औसत अगर ए है, आखिरी इनिंग में कुछ रन मारे उसने 87 रन, तो उसका औसत जो है दो बढ़ गया, ठीक है, उसका औसत जो है दो बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखिएगा, अभी समझाता हूं आप सभी को, ध्यान से देखिए। यानी ये ए प्लस टू तो मारेगा ही मारेगा, साथ के साथ इन सबके दो दो एक्स्ट्रा मारेगा, तो ए प्लस 42 आ गया, तो जो इसका स्कोर है वो ए प्लस 42 के बराबर है, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 45 आ गई, 45 आपका आंसर आ जाएगा, 45 45 45। गुड आफ्टरनून भाई, लेट नहीं हो गए आप, बहुत ज़्यादा लेट हो गए भाई, है ना, अब तो क्लास ख़त्म ही होने वाली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ऑप्शन भी लिखूंगा इसके, ऑप्शन है 147.5, 145.5, 143.5, 149.5, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 100 और 200 के बीच उन सभी संख्याओं का औसत बताइए जो 13 से विभाजित हो जाती है, 13 से विभाजित होने वाला पहली संख्या, 13 अट्ठे 104 इंटू 8 करेंगे, ठीक है। अब मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा, मैं देखता हूँ 13 इंटू 8 104 हो गया, ठीक है। अब 200 के बीच, अब मेरे को आगे वाली टर्म निकालनी है, गैप होना चाहिए 13 का, ठीक है। अगर मैं 13 सत्ते 91 कर देता हूँ, 7 और, ठीक है, तो 195 आ जाएगा, 195 वो नंबर है जो आखिरी वाला है, ठीक है, जो 13 से भाग हो जाएगा, तो ये आठवीं संख्या है, ये कौन सी संख्या है, 15वीं संख्या, ठीक है। अब मेरे को अगर सम निकालना है इसका, सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, n अपॉन टू, n अपॉन टू का मतलब है 8 टर्म हो गई, a प्लस l पहली संख्या ये है, आखिरी संख्या ये है, ये आ गया सम आपका,
और अगर आपको औसत निकालना है, एवरेज, तो आप क्या करेंगे, इसी को नंबर से भाग कर देंगे, 8 से। 8 से भाग करेंगे तो 104 प्लस 95, ये सीधा लिखता हूँ ना, रुक जाइए, ये कितना आ गया आपका, 299 बटा 2, तो कितना आ गया, 149.5। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, डी 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 डी। चलिए बहुत बढ़िया। आप ना एक काम और कर सकते हैं, अगर 13 से ही भाग होने वाले नंबर हैं तो जो आंसर आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा। 13 का मल्टीपल अगर आपको चेक करना है, ध्यान से देखिए, ये कितना हो गया, 474। ऐसे ही तो करते हैं, आखिरी तीन में से एक घटाया, 13 3 39 नहीं जाएगा, 454। 13 3 39 नहीं जाएगा, 434। 13 3 39 नहीं जाएगा, बचा क्या, ये ऑप्शन। तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। भाई 13 के मल्टीपल वाले ऑप्शन देखें, जो ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। इसके बाद मैं आपके लिए एक क्वेश्चन और लिखूंगा भाई, जरूरी है, क्योंकि वो रह गया। ठीक है, सीपीओ 2019 में आया था, एवरेज भी 13 से डिवाइड होगा भाई, क्यों नहीं होगा, जब सम 13 से डिवाइड हो रहा है तो एवरेज भी होगा। भूख लगी है, एक क्वेश्चन और कर लो भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये, द एवरेज एज ऑफ, ये अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को, हालांकि इस पैटर्न का मैंने आपको करा रखा है पर दिखने में अलग सा लगा। 24 स्टूडेंट्स इज 15.5 वर्ष, ठीक है, टीचर की एज 24 साल ज्यादा है, सभी विद्यार्थी और अध्यापक के औसत से, ठीक है, वॉट इज द एज ऑफ टीचर, सीपीओ 2019, वॉट इज एज ऑफ टीचर, सीपीओ 2019, ठीक है, ऑप्शन भी लिखूंगा, 40, 41.4, 42, 40.5, 41.4 है ये, एक सेकेंड रुकिए, सही कर देता हूँ, 41.4। ठीक है, ये क्वेश्चन आप सभी को देखना है, पहले आप सभी देखिए, बताइए, फिर मैं करता हूँ। बताइए क्या आएगा, चलिए बहुत बढ़िया। फोर्टी पॉइंट फाइव, आइए देखते हैं। देखिए, कल हमने ना एक क्वेश्चन किया था कि 6 बंदे खाना खाने जाते हैं, जो छठा बंदा है वो औसत से 80 रुपये ज्यादा खर्च करता है, सभी के औसत से। फिर उसमें मैंने आपको बताया था, जो 80 रुपये एक्स्ट्रा फैक्टर है ना, वो बाकी के बचे बंदों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो औसत आ जाएगा। ठीक है, वही काम आपको यहाँ करना है। अगर ये 24 विद्यार्थी हैं, ठीक है, और ये टीचर है, वो कहता है जो टीचर जो है वो इन सब के औसत से 24 साल ज्यादा है, इन सब के औसत से। ये कितने बच्चे हैं, ये 24 बच्चे हैं, 24 स्टूडेंट हैं, इनका औसत कितना है, 15.5, सभी का औसत 15.5, 15.5, 15.5। उसमें हमने क्या किया था, जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो बाकी सभी में बांट दो, प्लस एक प्लस एक प्लस एक, तो प्लस एक प्लस एक, एक एक बढ़ जाएगा सब में, 24 बच्चे हैं, 24 में बढ़ जाएगा 24। ठीक है, तो इसका मतलब है औसत कितना आ जाएगा, 16.5,
यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.5 लाख। कल हमने पढ़ा था ना, जो 80 रुपए अधिक थे वो पांच बंदों में बांट दिए, 16 16 16 16। तो वो जो पुराना औसत है उसमें 16 जोड़ेंगे तो अब नया औसत आ जाएगा। तो ये जो पुराना औसत है अगर इसमें एक जोड़ेंगे नया औसत आ जाएगा। तो 16.5 औसत हो गया, 16.5 प्लस 24, 40.5 आपका आंसर हो गया। डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, डी 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 डी। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कल मेरे नाम से कॉल आ रहे थे, कॉल आ रहे थे तो भाई उठाते और जो मांगा था वो देते। आप में से काफी बच्चों के पास आया होगा, ठीक है, क्योंकि काफी अच्छे रिजल्ट रहा हमारा। और हमने ये लगा, हमें ये लगा कि जो बच्चा बचा है, जो रह गया है, ठीक है, जिसकी जिंदगी में कुछ भी बदलाव आया है, कुछ भी अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है, मेंस का, तो वो हमें बता सकता है, क्योंकि उनके लिए हमने कुछ प्लान किया है, इसलिए वो कॉल आ रहे थे। आप सभी को आए होंगे, है ना, आपके पास नहीं आया था, चलिए जिसके पास नहीं आया है वो आ जाएगा, ठीक है, आपने कॉल रिसीव किया। मैंने बताया ना आपको, बहुत अच्छा रिजल्ट है इस बार हमारा सीजीएल मेंस 2019, काफ़ी सारे बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर है। और उसमें मैंने यही बोला था कि जिसके भी बच्चों का बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, ठीक है, 180 प्लस स्कोर किया, हमारे साथ जुड़े हैं, तो वो हमें ज़रूर बताएं। उन सब के लिए हमने स्पेशल कुछ प्लान किया है, ठीक है, इसलिए वो कॉल आया था। आपका भी अगर कुछ है तो आप ज़रूर बताइएगा, लेकिन मैं बात नहीं कर रहा था, चलिए अगली बार बात भी करेंगे भाई, है ना। हाँ, नेक्स्ट ईयर जरूर भेजेंगे, नेक्स्ट ईयर की तो तैयारी चल रही है, देखिए तो हर साल होता है ना, तो नेक्स्ट ईयर की तैयारी यहीं से चल रही है। नहीं आया भाई, चलिए क्वेश्चन नहीं आया या फिर फोन नहीं आया, चलिए फोन तो आ जाएगा, क्वेश्चन पे देख लेते हैं एक बार। जो टीचर है उसके पास औसत से 24 वर्ष ज्यादा है। कॉन्सेप्ट ये है कि जो बचा हुआ 24 है बाकी बच्चे भी लोगों में बांट दो, ठीक है, बाकी बच्चे भी लोगों में बांट दोगे 16.5 16 16 16, इसका मतलब एक ही जगह आप 16.5 रख सकते हैं, ठीक है, तो एक ही जगह 16.5 रखेंगे प्लस 24 करेंगे, 40.5 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आज के लिए हमारा इतना ही है, आज हमारा ये बैच खत्म हो गया है। अब एडवांस मैथ आपका जो बचा है वो 15 तारीख से स्टार्ट होगा, 15 तारीख से यानी ट्यूसडे से, ठीक है, एडवांस मैथ का बैच आपका स्टार्ट होगा, बिल्कुल बेसिक से ही, जैसे अर्थमेटिक का बैच स्टार्ट हुआ है वैसे ही स्टार्ट होगा, ठीक है। अभी बीच में गैप है आपका 3-4 दिन का, तो इस गैप को बर्बाद नहीं करना है। अभी जो क्लास में जो गिला शिकवा रह गया है ना कि आपको ये समझ नहीं आया वो समझ नहीं आया, वो रिपीट वीडियोज़ देखिएगा, खाली टाइम बर्बाद नहीं करना, ठीक है। 15 तारीख से आपका एडवांस मैथ का बैच स्टार्ट हो रहा है, एडवांस मैथ बिल्कुल जीरो से लेके आखिर तक जाएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेंगे, ठीक है, और करने का तरीका मेन डिपेंड करता है, करने का तरीका। अब देखिए एवरेज में हमने मैक्सिमम क्वेश्चन करने के तरीके छोटे रखे, जहाँ बड़ा था मैंने आपको बड़ा वाला भी बताया, और मैंने बोला कि यार इस टाइप का क्वेश्चन आता है छोड़िएगा, ठीक है। तो एडवांस मैथ में भी चाहे वो कैट लेवल का, जेट लेवल का, मैट लेवल का, किसी भी लेवल का क्वेश्चन होगा, एक भी क्वेश्चन पेपर में उससे बाहर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, जो एडवांस मैथ में मैं करा दूंगा और जो मैंने अर्थमेटिक में करा दिया। शर्त ये है कि आप एक एक क्लास को बारीकी से देखें, आराम से समझें, डेविएट होने की जरूरत नहीं है, भरोसा किया है ना मेरे पे, तो भरोसा रखिए और आराम से बस पढ़ते रहिए। साथ के साथ आप सभी लोगों की बैच की वैलिडिटी हमने बढ़ा दी है एक महीना, यानी आज शाम तक, रात तक बढ़ जाएगी, ठीक है, जो मैंने आपसे वादा किया था बैच की वैलिडिटी बढ़ेगी आपकी 1 मंथ, रात तक बढ़ जाएगी, इसके लिए फ़ोन मत करिएगा, ठीक है, मैंने बोला है तो बढ़ेगी, देखिए, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैंने वीडियोस बोली थी, एडिशनल वीडियोस, ठीक है, मैंने आप सबसे बोला था आप सबसे मैंने एक बात बोली थी कि अपडेटेड कुछ वीडियोस मैं देता दूंगा आपको, और कोशिश करूंगा आगे भी, मुझे अगर कुछ लगता है कि यार मैंने वो पढ़ा तो दिया रेशो में पर अभी भी अपडेटेड कुछ बचा है या SICI में कुछ बचा है, तो मेरे को जहां लगेगा मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए बना के देता रहूंगा, अगर लगेगा तो। इसलिए अभी मेरे को लगा कि मैंने 13-14 वीडियोस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करी हैं, वो आप सभी को मिलेंगी। ध्यान से देखना, क्वेश्चन का लेवल बहुत अलग होगा, इससे काफ़ी ऊपर होगा, ऊपर लेवल है काफ़ी, ठीक है, पर वो वीडियोस मिलेंगे आपको संडे तक, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको फ़ोन नहीं करना है। मैंने बोला है ना आपसे, संडे तक मिलेगी तो संडे तक मिलेगी।
वैलिडिटी बढ़ेगी, रात तक बढ़ेगी, सभी की बढ़ेगी। कल तक ना बढ़ी मिले तो बताइए, ठीक है? तो रात तक वो बढ़ेगी आपकी, और पूरा वो जो एक्स्ट्रा क्लासेस है वो मैं ऐड करवा दूंगा संडे तक, ठीक है? एनटीपीसी के हिसाब से एडवांस स्टार्ट करिए भाई, सभी के हिसाब से होगा। नहीं भाई, अब क्लास आपकी है ट्यूसडे को, ठीक है? तो जितने लेक्चर आपके बचे हैं ध्यान से देखिए, एक एक चीज को करीब से देखिए। इसमें मैंने लगभग 55-60 के करीब क्वेश्चन कराए हैं औसत में, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसकी कैलकुलेशन जो मैंने करी है वो समझिएगा, एक एक क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिए। ऐसा नहीं है कि आप 150-200 क्वेश्चन कराएं, जरूरी नहीं होता कि आप 150-200 क्वेश्चन करें। मैं हमेशा तैयारी इसी तरीके से करता था, वेराइटी अलग क्या है, मेरे को क्या नहीं आता मैं केवल वो कवर कर लूँ, ठीक है? ऐसा नहीं है जो आता है उसे ही रिपीट करता रहूं, तो मैं इस तरीके से पढ़ाई नहीं करता था, मेरा पढ़ने का तरीका यही था। इसलिए मैंने हर चैप्टर में इस तरीके से क्वेश्चन रखे। एडवांस मैथ में भी आपको बहुत अलग वेराइटी के क्वेश्चन मिलेंगे, ज्योमेट्री में, मेंसुरेशन में 350+, एलजेब्रा में 350+, 400+ क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्लास में करेंगे। क्लास की प्रैक्टिस उसकी बहुत होगी, पर मेन बात है दिमाग खोल के क्लास अटेंड करनी है, ठीक है? किसकी पीडीएफ देनी है भाई, इंग्लिश की? चलिए इंग्लिश की पीडीएफ की मैं बात करता हूं भाई, बैच में डल रही है वैसे। 24 को डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो 24 ऐड क्यों किए भाई? 24 को डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो 24 ऐड नहीं किया, एक एक ऐड किया। 24/24 एक एक बढ़ गया, तो 15.5 से 16.5 हो गया। तो वो किसकी वैल्यू आ गई, वो ए की वैल्यू आ गई, पर आपसे टीचर की एज पूछी है इसलिए 16.5 जोड़ दिया, ठीक है? फर्स्ट टॉपिक हम सर्ट से स्टार्ट करेंगे, और सर्ट का टॉपिक इस तरीके से करेंगे कभी जिंदगी में उससे बाहर कहीं नहीं आ सकता किसी भी एग्जाम में, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे ट्यूसडे को। जब तक अपना ख्याल रखिए, और टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करिएगा, ये मत सोचिएगा क्लास नहीं है चलो अभी आराम कर लेता हूँ, आराम का टाइम नहीं है, ठीक है? 6 महीने बाद एग्जाम है, किसी का 4 महीने बाद एग्जाम है, आराम का बिल्कुल भी समय नहीं है। लगातार मेहनत करते रहिए, जो वीडियोस बची हैं पुरानी पेंडिंग बची हैं उन्हें लगातार देखिए, ठीक है? आराम बिल्कुल नहीं करना। यूट्यूब पे मैं सेशन लूंगा आज शाम को, लूंगा दोपहर को 4 बजे, तो आप वो भी अटेंड करिएगा। रेशो का प्रैक्टिस सेशन है, सीधा देखना है आंसर करना है, देखना आंसर करना है, कलम नहीं लगानी है, ठीक है? चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। एडवांस मैथ से बैच स्टार्ट करेंगे ट्यूसडे को 15 तारीख को 12:00 बजे, एक एक बच्चा हाजिर होना चाहिए। जय हिंद।